नमस्कार, मैं हूं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जाते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। पंजाब के फिरोजपुर जिले से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के कसूर शहर में चमड़े की फैक्ट्रियों का पानी भारत के सीमावर्ती गांवों के लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा है। भारतीय राजनेताओं और नौकरशाही की उपेक्षा के कारण स्थिति बद से बदतर हो रही है। सतलुज नदी के किनारे पाकिस्तानी शहर कसूर में लदल टेंडरियों से रासायनिक पानी सतलुज में बहाया जा रहा है, जो कि सीमावर्ती गांव टेंडीवाला से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। यह जहरीला पानी सीमावर्ती जिले फिरोजपुर और फिजीलक्का के लिए घातक स्थिति पैदा कर सकता है। किसान आंदोलन खत्म होने से अब सिंघू और टीकरी बॉर्डर खुलने का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली सहित एनसीआर के दूसरे जिलों में आवागमन सुचारू होने के बाद स्थानीय उद्योग को खासी राहत मिलेगी। 378 दिन चले किसान आंदोलन के दौरान प्रदेश की छोटी बड़ी करीब 15,000 औद्योगिक इकाइयां बुरी तरह प्रभावित हुई है। ऐसे में स्थानीय उद्योग को घाटे की भरपाई में लंबा वक्त लग सकता है। किसी वेब सीरीज का पहला सीजन अगर कामयाब रहता है तो दूसरा सीजन अक्सर अपेक्षाओं का अतिरिक्त बोझ लेकर आता है, और फिर आर्या तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड से नॉमिनेटेड सीरीज है। ऐसे में आर्या दुख का इंतजार और उम्मीदें दोनों का बढ़ना लाजमी था। ये इंतजार आज 10 दिसंबर को खत्म हो गया। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आर्या के दूसरे सीजन के सभी 8 एपिसोड स्ट्रीम कर दिए गए हैं। रही बात उम्मीदों की, तो आर्या 2 उन चंद सीरीज में शामिल हो गई है जिनके दूसरे सीजन से ने निराश नहीं किया। दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में इससे निपटने के लिए सभी देश अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गए हैं। अब दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट प्रसार के बीच संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी की तरफ से कहा गया है कि नए वेरिएंट के खिलाफ प्रारंभिक प्रयोगशाला डेटा उपयोगी है, लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि ये कितने प्रभावी होंगे। केंद्र सरकार उन सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना देने पर विचार कर रही है जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक इस मुद्दे पर कानून मंत्रालय से राय मांगी गई है। उनका जवाब आने के बाद इस पर फैसला हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार सुबह से ही मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। सर्द हवाओं के चलते दिल्ली एनसीआर के करोड़ों को शुक्रवार सुबह हल्की कंपकंपाने वाली सर्दी महसूस हो रही है। हालांकि तेज धूप निकली हुई है, लेकिन यह भी सर्द हवाओं को बेअसर नहीं कर पा रही है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में और सर्द हवाओं के चलते न केवल न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी आएगी, बल्कि कपकपाती ठंड भी शुरू होने जा रही है। NIOS अक्टूबर नवंबर 2021 परीक्षाओं में सम्मिलित हुए 10वीं 12वीं और वोकेशनल के छात्र छात्राओं के लिए जरूरी खबर है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी और वोकेशनल परीक्षाओं के लिए जारी किए जाने वाले रिजल्ट के फॉर्मेट में बदलाव किया है। संस्था द्वारा आज 10 दिसंबर 2021 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार स्टूडेंट्स को आमतौर पर जारी किए जाने वाले अंक विवरणिका और स्थायी प्रमाण पत्र अब नहीं जारी किए जाएंगे। इनके स्थान पर छात्र छात्राओं को अक्टूबर नवंबर 2021 पब्लिक एग्जाम से अब एकल प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें उनके प्राप्त अंकों का भी विवरण अंकित होगा। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने शुक्रवार को ब्रिस्बेन के गाबा में शुरुआती एशेज टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड की लड़ाई का शानदार तरीके से नेतृत्व किया। जो रूट ने खेल के सबसे लंबे प्रारूप में एक और अर्धशतक जमाया है। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के सामने 147 रन पर ढेर हो गई है। खुद जो रूट भी फ्लॉप रहे थे, लेकिन दूसरी पारी में वो संभल कर खेले और रिकॉर्ड भी टीम के लिए बना दिया है। पैन इंडियन स्टार और साउथ इंडियन सुपरस्टार प्रभास के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। प्रभास को 2021 के नंबर एक साउथ एशियाई सेलिब्रिटी के रूप में शामिल किया गया है। ब्रिटेन के ईस्टर्न आई अखबार द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें विश्व की 50 एशियाई हस्तियों का नाम शामिल है। इस लिस्ट में प्रभास को नंबर एक दक्षिण एशियाई सेलिब्रिटी करार दिया गया है। प्रभास ने कई हॉलीवुड आइकॉन, संगीत उद्योग, टेलीविजन, लिटरेचर और सोशल मीडिया स्टार्स को पछाड़ते हुए अपने लिए ये जगह बनाई है। इस लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा को तीसरा स्थान मिला है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया है कि दिल्ली के गाजीपुर टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर डटे किसान 15 से 16 दिसंबर तक हट जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हम कल से बॉर्डरों से हटना शुरू करेंगे और 4 से 5 दिन यानी 15 से 16 दिसंबर तक बॉर्डर खाली कर देंगे। गुरुवार को ही किसान संगठनों की संस्था संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन की समाप्ति का ऐलान करते हुए कहा था कि हम शनिवार से घर वापसी शुरू कर देंगे, जिसके साथ ही दिल्ली बॉर्डर पर जाम की समस्या खत्म होने और लोगों को आवाजाही में होने वाली परेशानी दूर होने की उम्मीद बढ़ गई है। टीम इंडिया के हेड कोच के तौर पर रवि शास्त्री का सफर खत्म हुए करीब एक महीना हो गया है। T20 वर्ल्ड कप के साथ ही शास्त्री का हेड कोच के तौर पर कार्यकाल खत्म हुआ और उनकी जगह राहुल द्रविड को टीम इंडिया का नया हेड कोच बनाया गया है। शास्त्री ने हेड कोच के पद से हटने के बाद कुछ अहम बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि टीम सिलेक्शन में उनका कोई रोल नहीं होता है। शास्त्री का मानना है कि अंबाती रायडू या श्रेयस अय्यर में से किसी एक को नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए टीम में शामिल किया जाना चाहिए था।
बीते कुछ वक्त से तटीय राज्य गोवा में मुश्किलों का सामना कर रही कांग्रेस को शुक्रवार को एक बार फिर से झटका लगा है। पोरवोरिम विधानसभा सीट के कई नेताओं ने इस्तीफे दे दिए हैं। अहम बात यह है कि यह इस्तीफा शुक्रवार सुबह उस वक्त दिया गया जब प्रियंका गांधी राज्य के दौरे पर आ रही हैं। नेताओं का कहना है कि कांग्रेस राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर सीरियस नहीं दिख रही है। कुछ नेताओं के एटीट्यूड से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस चुनाव लड़ने को लेकर गंभीर नहीं है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य गुपेश नायक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य में चुनाव को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है। अब तक उसने अपनी कोई तैयारी भी शुरू नहीं की है। काबुल से एक विशेष विमान शुक्रवार को हिंदू और सिख समुदाय के अफगान नागरिक सहित लगभग 110 लोगों को लेकर भारत पहुंची। भारत सरकार द्वारा यह चार्टर्ड फ्लाइट काबुल से संचालित की जा रही है। इंडिया वर्ल्ड फोरम के एक बयान के अनुसार फ्लाइट वहां फंसे भारतीय नागरिकों और हिंदू और सिख समुदाय के व्यक्ति अफगान नागरिकों को भारतीय नागरिकों के साथ वापस ला रही है। अमेरिका में जारी लोकतंत्र शिखर सम्मेलन के बीच पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान किसी भी राजनीतिक गुट का हिस्सा नहीं बनना चाहता है। उन्होंने चीन और अमेरिका को लेकर कहा है कि पाकिस्तान दोनों देश के बीच की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है। इस्लामाबाद कॉन्क्लेव 2021 में इमरान खान ने कहा कि दुनिया एक नए शीत युद्ध की तरफ जा रही है, नए ब्लॉक बन रहे हैं। पाकिस्तान को इन ब्लॉक के गठन को रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान को किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के द्वारा 300 यूनिट फ्री बिजली देने संबंधी केजरीवाल मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई 8 दिसंबर की तारीख को नियत की थी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एकल पीठ में हुई। मामले के अनुसार देहरादून विकास नगर निवासी संजय जैन, जो कि पूर्व में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य रह चुके हैं, उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कोटियाल द्वारा उत्तराखंड की जनता को उनकी सरकार आने पर फ्री में 300 यूनिट बिजली देने का केजरीवाल मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड जारी किया जा रहा है। राजस्थान में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन की चपेट में आए व्यक्ति के संपर्क में आई महिला दिल्ली में संक्रमित पाई गई है। उन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि महिला गुरुवार को संक्रमित पाई गई है। वो कहीं भी विदेश यात्रा पर नहीं गई थी। उनके परिवार के 17 लोग भी क्वारंटीन में है। अधिकारी ने बताया है कि उन्हें LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनके सैंपल जीनोम अनुक्रमण के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रक केंद्र भेज दिए गए हैं। दिल्ली NCR में पर्यावरण प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को एक हफ्ते के भीतर निर्माण गतिविधियों और औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध हटाने पर निर्णय लेने की छूट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हम आयोग को विभिन्न उद्योग और संगठनों के अनुरोधों की जांच करने का निर्देश देते हैं जो हमारे आदेशों के आधार पर या अन्यथा उनके परिपत्रों के आधार पर लगाई गई शर्तों में छूट के बारे में है। भारतीय रेल अपने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए जल्दी ही ट्रेन में फ्लाइट की तरह ही ट्रेन होस्टेस को तैनात कर सकती है। TV9 भारत वर्ष के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में IRCTC के एक सीनियर अधिकारी ने बताया है कि वो जल्द ही अपनी प्रीमियम क्लास ट्रेनों में ट्रेन होस्टेस की ड्यूटी लगा सकते हैं। IRCTC ने बताया है कि जिन ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा और सेवा के लिए ट्रेन होस्टेस तैनात किए जाएंगे उसमें शताब्दी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस जैसे ट्रेन शामिल है। कैटरीना कैफ की छोटी बहन इसाबेल कैफ ने अपनी खुशी जाहिर की और परिवार में अपने बहनोई विकी कौशल का स्वागत किया है। इसाबेल कैफ ने अपने इंस्टाग्राम पर नवविवाहितों की एक तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, कल मुझे एक भाई मिला, हमारे पागल परिवार में आपका स्वागत है। हम इतने लकी नहीं थे कि आप हमारी किस्मत में होते। आप दोनों को ढेर सारा प्यार और दुनिया भर की खुशियां मिले। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने शिवसेना सांसद संजय राउत के उस आह्वान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कांग्रेस को UPA के सभी सहयोगियों को भाजपा से मुकाबले के लिए एकजुट करने का बीड़ा उठाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रास्ते एक हो जाएं तो भारत के लिए अच्छा होगा। चिदम्बरम ने कहा कि मैंने संजय राउत का बयान पढ़ा, मुझे लगता है कि उन्होंने एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला बयान दिया है। वो जो कहते हैं हमें देश में एक गैर भाजपा विपक्षी एकता की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी को इसका नेतृत्व करना चाहिए। विश्व मानवाधिकार दिवस के मौके पर राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्य का निलंबन कर देशभर में मानवाधिकारों का उल्लंघन के मामले में चर्चा कराने की मांग की है। राजद सांसद मनोज झा ने शुक्रवार को नियम 267 के तहत राज्यसभा में विश्व मानवाधिकार दिवस के मौके पर स्थगन प्रस्ताव नोटिस देकर कहा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया एक दिन के लिए अन्य सभी कार्यों को स्थगित कर दें।
ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान मुंबई में मीडिया से बातचीत करने वाली आरआरआर टीम ने फिल्म के लिए काम करने के लिए अपने अनुभव को साझा करते हुए बहुत अच्छा समय बिताया और कहा कि मीडिया के साथ अपनी नवीनतम बातचीत में आरआरआर के हिंदी भाषा संस्करण वितरक जयंतीलाल गड्डा ने मैग्नम ओपस के ओटीटी रिलीज का खुलासा किया। फिल्म के ओटीटी डिजिटल रिलीज के बारे में पूछे जाने पर जयंतीलाल गड्डा ने कहा कि आरआरआर रिलीज के कम से कम 90 दिनों के बाद ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। अमेरिका में पिछले सप्ताह बेरोजगारी के शुरुआती दावे कम होकर 184,000 रह गए हैं, जो 50 से भी ज्यादा सालों में सबसे निचला स्तर है। ये जानकारी श्रम विभाग ने दी है। विभाग के श्रम सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 4 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में बेरोजगारी लाभ के लिए दाखिल करने वाले अमेरिकियों की संख्या पिछले सप्ताह के 2,27,000 के संशोधित स्तर से 43,000 कम हो गई है। तमिल भाजपा ने राज्य चुनाव आयुक्त से एक ही चरण में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आग्रह किया है। कमिश्नर को लिखे पत्र में भाजपा की एडवोकेट विंग के प्रदेश अध्यक्ष आरसी पाल कनकराज ने गुरुवार को कहा है कि एक ही चरण में चुनाव कराने से सत्तारूढ़ दल पर कम प्रभाव पड़ेगा। जनवरी 2022 की शुरुआत में होने वाले शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को भारी बारिश और कोविड-19 महामारी को देखते हुए सत्तारूढ़ द्रमुक के अनुरोध पर फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने राज्यसभा में मथुरा का श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद उठाया। शून्यकाल के दौरान उन्होंने मांग रखी कि उपासना स्थल अधिनियम 1991 को असंवैधानिक करार दिया जाए। उन्होंने कहा है कि यह कानून किसी भी उपासना स्थल को परिवर्तित करने से प्रतिबंधित करता है। उपासना स्थलों का वही स्वरूप बनाए रखता है जो 15 अगस्त 1947 में था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी के निदेशक परिषद की बैठक हुई। बैठक में 20 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। मुख्य रूप से जीआरडीए क्षेत्र के तहत विधायकों के आवास निर्माण से संबंधित प्रस्ताव और सचिव और अन्य वरीय पदाधिकारियों के भवन निर्माण हेतु जीआरडीए द्वारा स्मार्ट सिटी को जमीन देने के प्रस्ताव पारित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को कानपुर आ रहे हैं। इस दौरान वो करीब 3 घंटे तक शहर में रहेंगे। पुलिस और प्रशासन ने पीएम मोदी के आने की तैयारी शुरू कर दी है। पीएम 28 दिसंबर को पहले आईआईटी के दीक्षांत समारोह पर और फिर निरालानगर रेलवे मैदान में लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे। वहां से वो जनसभा को संबोधित करेंगे। वो मेट्रो का सफर करके उसका उद्घाटन भी कर सकते हैं। डीआरडीओ में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है। इसके लिए डीआरडीओ ने टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैबोरेटरी के तहत विभिन्न ट्रेडों में अप्रेंटिस के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो डीआरडीओ की आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर है। देश भर में लगातार बढ़ती बिजली की कीमतों से हर कोई परेशान है। आपको बता दें, भारत में बिजली का निर्माण के लिए बड़े स्तर पर कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ दिन पहले खबरें आई थी कि देश में कोयले की भारी कमी है। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको फ्री में बिजली मिलेगी। इस योजना के तहत आप अपनी छत पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। इसके लिए सरकार भी आपको मदद कर रही है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण के प्रसार के बीच देश में वैक्सीन की तीसरी खुराक की मांग की जा रही है। सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 ने जानकारी दी है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए विभाग से संबंधित स्थायी समिति की बैठक में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि केंद्र सरकार इसे बूस्टर खुराक नहीं बल्कि तीसरी खुराक का नाम दे रही है। समिति को यह भी कहा गया है कि तीसरी खुराक की जरूरत दूसरी खुराक के 9 महीने के बाद ही पड़ेगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, इनके नाम है रमेश रमन, राकेश कुमार, मेजर कुमार, आलोक कुमार, डांसिंग खुशी, रुपेश कुमार यादव, नुन्नू कुमार, विशाल देव प्रसाद, प्रकाश मंडल, अनवर हुसैन, अल्तमाश जावेद, छोटू कुमार, अखिलेश कुमार, संतोष कुमार, शंभू पासवान। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारतीय टीम के बतौर कोच रवि शास्त्री बेहतर थे या फिर राहुल द्रविड़ बेहतर है? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।